نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر یقینا ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورة البقرة کی آیت نمبر 61 جس کی تلاوت آپ نے ابھی سنی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کی ناشکریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وادی صحرا جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے 40 سال بھٹکنے رہنے کا حکم تھا، اس وادی نے کھانا پینا بلا مشقت میں مل رہا تھا بغیر کسی محنت کے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی ایک چیز کو لمبے عرصے کے لیے نہیں کھا سکتا، انسان کھانے پینے میں تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی فطرتی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اسی اصول کی مجبوری کے تناظر میں بنی اسرائیل نے من سلوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں گندم کی روٹی، ساگ، پیاز اور اس جیسی دوسری فصلیں جو زمین اگاتی ہے، دالیں، تو ان چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم بھائی یہ کھانے میں صبر نہیں کر سکتے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، صبح و شام من سلوا ہی کھایا جا رہا ہے، ہم سے مزید نہیں کھایا جاتا، ہمیں جو ہے جو چیز زمین اگاتی ہے وہ بڑی فصلیں اور
और वो वाली अनाज जो है वो हमें चाहिए। कौम के आदमी मजबूर होके मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, जो तुम्हें मिल रहा है वो बिला शर्त है, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और जो चीज तुम मांगने जा रहे हो वो मुशक्कत ही मुशक्कत है। सुबह से शाम तक मेहनत करोगे फिर जाके तुम्हें रोटी मिलेगी। उन्होंने कहा, भाई जो मर्जी हो, हमसे एक टाइम वाला ये मुसलसल खाना हमसे नहीं खाया जाता, आप हमें ये चीजें अता करो। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कहा कि आप इस शहर में चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो शहर में गए, अल्लाह ताला ने मदद की, फतह हो गई और उन्हें वो सारा कुछ मिल गया। लेकिन इसके मिलने के बावजूद रब की रजा नहीं थी। दो बातें हैं, कोई भी काम इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होता। हर काम में अल्लाह की इजाजत होती है, काम अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बुरे काम में रब की रजा नहीं होती, इजाजत होती है लेकिन उसकी रजामंदी और खुशनुदी नहीं होती, अच्छे काम में उसकी रजामंदी होती। तो बड़ी इसराइल ने ये जो तकाजा किया उन्हें वो मिल गया, लेकिन रब ताला ने ये खुश होके नहीं दिया। इस वजह से ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, ज़िल्लत मस्कना गुर्बत उनके ऊपर मार दी गई। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, इन पर ज़िल्लत और मस्कना गुर्बत इनके ऊपर मार दी गई। वबाउ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, और अल्लाह का इन पर ग़ज़ब था। तो ये ऊपर अल्लाह की तरफ से ग़ज़ब था, क्यों? इनकी रविश थी, इनका तरीका कार था, इनकी जिंदगी का एक बाकायदा ये हालत थी कि यकूरुना ये अल्लाह की आयात का इनकार करते रहते, रब की नाशुक्री करते रहते। वह यकूरुना नबी ना बिगैर हक, ये इतने बदबख्त किस्म के लोग थे कि इनके इनके हाथों कई नबियों के कत्ल भी हुए, कई नबियों को कत्ल किया है। ये नबियों की औलादों में से थे सारे, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतऊन, इन पर जितने अल्लाह के ग़ज़ब हुए ये इस वजह से हुए, बिमा असौ इनकी नाफरमानियों की वजह से, व कानू यअतऊन और ये हद से बढ़ जाने वाले लोग, ये अपनी हद में ही रहे। तो ये सारे वाकियात ये देखें, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें नहीं है जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम इनसे इबरत सीखें। हमारी जुबान पर नाशुक्री नहीं होनी चाहिए, हमारी जुबान पर रब का शुक्र ही होना चाहिए और हर वक्त रब ताला का शुक्र होना चाहिए। तो जब हमारी जुबान का शुक्र होगा तो जो सीखते और जो गजब इन पर नाजिल हुए हैं उनसे हम बच जाएंगे। और रब इज्जत से दुआ है कि वो हमें महफूज रखे। आइए अब आप सबक की तरफ बढ़ते हैं। मिसबाह कुरान में फहम कुरान के दो उसलूब हैं। पहला उसलूब तर्जमा कुरान बजरी आलावा, वाइज कुल तुम वाओ का माना और इसका माना जब कुल तुम, तुमने कहा, ये किससे निकला? कौल से, कौल कुआल मकूला। वाइज कुल तुम और जब तुमने कहा, या मूसा ऐ मूसा, यानी अपने पैगंबर से इन्होंने कौम ने कहा, क्या कहा? लन नस बेरा, हरगिज नहीं हम सबर करेंगे। नस बेरा सबर से है और नूर को निकाल देंगे तो बाकी बचे हुए सबर। लन नस बेरा, हरगिज नहीं हम सबर करेंगे। ये जो हरफ लन है ये नफी के लिए होता है और नफी मौजूदा हाल से लेकर ता क़यामत आने वाले वक्त ताकीद के साथ नफी होती है, इसलिए इसके तर्जमे में लफ्ज़ हरगिज़ नहीं का इस्तेमाल किया गया।
ला नस्बिरा हरगिज नहीं हम सबर करेंगे अला तआमिन वाहिद एक खाने का वाहिद का माना है ताब खाने को कहते हैं अला तआमिन वाहिद एक खाने पर हम हरगिज सबर नहीं करेंगे वो एक खाना कौन सा था मन सलवा फदर बस आप दुआ करें ये फा के बाद जो हमजा है ये आ वाला है उदु दुआ से ये लफ्ज निकला है फदर बस आप दुआ करें लगा हमारे लिए रब्बा का अपने रब से तेरा रब है साडा ले तो की समझ आ रही है तो कौन क्या कह रही है अपने पैगंबर से उदु रब्बा का अपने रब से बात करो ये भी एक अंदाज है बदअखलाकी बदतहज़ीबी का कि पैगंबर से बात करते हुए मुतालबा भी अल्लाह से है और इतनी तौहीद नहीं है कि कहते हमारे रब से आप बात करें कहते अपने रब से बात करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत अफसोस की बात है वही कुल तो मौजा तुमने कहा या मूसा ऐ मूसा ला नस्बिरा हरगिज नहीं हम सबर करेंगे अला तआमिन वाहिद एक खाने पर फरू का सा दुआ करें लना हमारे लिए दुआ करें हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युखरिज वो निकाले युखरिज वो निकाले खारिज खुरूज इखराज युखरिज वो निकाले लना हमारे लिए मिम्मा उससे जो मिन का माना से और वा का माना जो दोनों ही उर्दू में इस्तेमाल होते हैं युखरिज लना वो निकाले हमारे लिए मिम्मा उससे जो तुम भी तो उगाती है तुम भी तो उगाती है अलारु जमीन उर्दू में बोलते हैं तुम भी तो से मिलते जुलते अल्फाज नरातात और एक छोटा सा सीरम टाइप है जो छोटे बच्चों को पिलाते हैं नबाती ग्राय पाइप नबाती मतलब वो जड़ी बूटियों से अखज किया हुआ पानी होता है छोटे बच्चों को पिलाते हैं नबातात जड़ी बूटियां तुम भी तो उगाती है अल अर्दु जमीन मिम बकलीहा उसका साथ ये मेन पिछली बात की वजाहत के लिए आया है तुम भी तो लाज क्या है जमीन क्या उगाती है अब वो खुद ही बता रहे हैं मिम बकलीहा उसका साथ मिन का लगना यहाँ पर नहीं होगा मेरे पिछली बार की वजह के लिए उसका साथ वकिसाई है और उसकी ककड़ी ये होता है खीरे तरा कच्चा खाया जाने वाला सलाद खीरे तरा और मूलियां गाजरा इस किस्म की चीजें जो है उससे सबको क्या कहते हैं किसाई है ककड़ी मिम्बकली का उसका साग ये अब लफ्ज सारे नए आ रहे हैं जरा ध्यान से बकल साग को कहते हैं किस साग किसे कहते हैं ककड़ी वफूमी हा उसकी गंदम फूम गंदम वफूमी हा उसकी गंदम वायरसी हा उसकी मसूर दाल ये दाल का एक नाम है मसूर इसको मसरी की दाल भी कहते हैं मसूर भी कहते हैं वह बसरी हा और प्याज ये सारे लफ्ज नए हैं बकर साग किसा ककड़ी कच्ची खाई जाने वाली चीजें सलाद के तौर पर वफूरिया गंदम आलसिया मसूर और बसरिया प्याज कल उसने कहा सईद राम सारे सलाद सलाद कौन कौन काला सुन लिया तो कहने लगे आप क्या तस्तबदीलूना तुम सब बदलना चाहते हो तस्तबदीलूना ता के बाद अलिफ सीन ता था ता के बाद अलिफ सीन ता तो जब इसके शुरू में अलामत लगाई जाए तो अलिफ देखने में नहीं आता अब आ गया तस्ता अलिफ हो गया दरमियान में से तस्ता तो इसमें चाहने का कर का मफूम होता है इसीलिए इसके तर्जुमे में ये चाहते हो लिखा हुआ है अतस्ता दिलूना बाकी लफ्ज बदल है बदल तब्दील मुतबादल उर्दू में बोलते हैं अतस्ता दिलूना क्या तुम सब बदलना चाहते हो अल्लजी उसे जो हुआ वो
घटिया हल्का कम है, अदना हल्का घटिया बिल्लती, उसके बदले में जो बागरा में बदले, उसके बदले में जो हुआ है वो बेहतर है। क्या मतलब? जो तुम्हें मिल रहा है वो मान सलवा वो बिना शक्त मिल रहा है, बगैर किसी मेहनत के मिल रहा है, और जो तुम मांगने जा रहे हो वो अदना है, घटिया है। सुबह से शाम तक मुसलसल मेहनत की जरूरत है, फिर जाके तुम्हें रोटी नसीब होगी और वो साग नहीं और प्याज नहीं तुम्हें मिलेगी। क्या तुम सब बदलना चाहते हो? अल्लाह उसे जो अदना है घटिया है हल्का है बिल्ली उसके बदले में जो हुआ है वो बेहतर है। कौन है मन? तो अल्लाह ने फिर कहा इहबितु, तुम सब उतर जाओ। उर्दू में बोला जाता है हबूते आदम, हबूते आदम आदम का जन्नत से जमीन पर उतरना, हबूते आदम। इहबितु, तुम सब उतर जाओ मिस्र शहर, मिस्र का नाम शहर, तुम सब उतर जाओ शहर में। फैना पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए है जो सवाल तुमने मांगा, तुम्हारे लिए है जो तुमने मांगा। सवाल तो किसे क्या सवाल से जो तुमने मांगा वो तुम्हारे लिए शहर में मौजूद है। वजूरी पर लेकिन ये जो कुछ मिला खुशी से नहीं मिला, वजह अल्लाह बताए वजूरी पर और मुसल्लत कर दी गई। जर करना माना होता है, जर करना माना जरबे कारी, वजूरी पर मुसल्लत कर दी गई, मार दी गई। अलैहिम उन पर अज़िल्लतु ज़िल्लत वल मस्करतु और मोहताजी तंदस्ती गुरबत, मोहताजी तंदस्ती और गुरबत। वबाऊ और वो सब लौटे, ये भी नया लफ्ज है, बाऊ वो सब लौटे भी गज़ब इन गज़ब के साथ मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से। उन पर मार दी गई जिल्लत और मोहताजी मस्करत गरीबी गुरबत मोहताजी। वबाऊ और वो सब लौटे भी गज़ब इन मिनल्लाह अल्लाह के गज़ब के साथ। ज़ालिका ये सब क्यों हुआ इनके साथ? ये भी अल्लाह इस वजह से कि बेशक वो सब कारु वो सब थे यकफुरूना इनकार करते, यकफुरूना किससे निकला? कुफर से। वो सब इनकार करते थे बे आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का। वयक्तुलूना और वो सब कत्ल करते थे, यक्तुलूना वो सब कत्ल करते थे अन्नबीयीना नबियों को बगैरिल हक बगैर हक के या ना हक। नबियों को कत्ल करने का किसी को कोई हक नहीं है, वो तो अल्लाह की अजीम शख्सियात है और वो तुम्हारे बीच को हिदायत के लिए आए हैं और उन्हें ही कत्ल कर देना इससे बड़ा और क्या गुनाह हो सकता है। ज़ालिका ये सब इन लोगों ने क्यों किया? ये बिमा इस वजह से है जो आशाओं उन सब ने नाफरमानी की, आशाओं उन सब ने नाफरमानी की। इसियार आसी मुआसी गुनाह को कहते हैं, आशाओं उन सब ने नाफरमानी की। वकारु और वो सब थे या करून हद से तजावज कर जाते। दूसरा उसलोक तफीन कुरान बदरिया उर्दू जुबान। वह का माना और इसका माना जब कुल तुमने कहा किससे निकला? कौल मार मकूला अखबार या मूसा ए मूसा लंग हर किस नहीं नस मेरा हम सबर कहेंगे सबर साबिर अला तामिन वाहिदिन अला तामिन वाहिदिन एक खारे पर फरू बस आप दुआ करें, दुआ दावत दाई मदहूब करना लड़ा हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युखरेज वो निकाले लड़ा हमारे लिए मिनमा उससे जो मिन और लड़ा है तुम भी दू
उगाती है, नबातात नबाताती ग्राउंड वाटर, अल अर्ज जमीन अर्जो समा वगैरह, मिम बकरीहा उसका सार, बकरी का माना सार, नया लफ्ज है, वा और किसानिया उसकी ककड़ी, लड़कों की तरफ से आवाज का आ रही है, बकर किसे कहते हैं, सार और किसान ककड़ी, गौ का माना पूर्णिया उसकी गंदम, वाव का माना अलसिया, दाल कह रहे हैं या मसूर कह रहे हैं या मसूर की दाल कह रहे हैं की बात है, वादा सिया उसकी मसूर, वसलिया और उसका प्याज, काला कहा उसने अतस कर दी होगा, क्या हम सब बदलना चाहते हैं, बदल तब्दील मुतबादिल तबादला, अल्लजी उसे जो हुआ वो अदना अदना है, घटिया है, कम है, बिल्लजी उसके बदले में जो हुआ वो खैर है, खैर है, तुम सब उतर जाओ मिश्रण शहर में, इनमितु तुम सब उतर जाओ मिश्रण शहर में, फाइना बस बेशक लगो तुम्हारे लिए बाप वो है जो साल तुमने मांगा, तुमने सवाल किया, तुमने मांगा या तुमने सवाल किया, वजूरी पर और मार दी गई या मुसल्लत कर दी गई, दोनों तरफ दुरुस्त है, मुसल्लत कर दी गई अलैहिम उन पर, अज़िल्लत ज़िल्लत वल मस्करत और मुल्तानी या गुर्बत, वबारु और वो सब लड़े, बारु वो सब लड़े भी नजर में नजर के साथ मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, वबारु भी नजर में और लौटे वो अल्लाह का नजर लेकर, जाली का ये भी अल्लाह इस वजह से कि बेशक वो सब कारू थे या फुरूना इंकार करते कुफर काफर कुफा भी आयात इल्लाही अल्लाह की आयात का वजह तो दूना और वो सब कतल करते थे अल्लाही नीना भाइयों को बिगैर हक ना हक, जाली का ये दिमाग इस वजह से जो आसव उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने नाफरमानी की, आसी मुआसी वकारू और वो सब थे या तबू हद से बढ़ने वाले, हद से बढ़ने वाले, हद से तजावज करते थे। तो आज के हमारे सबक में कल वाले सबक की कसर निकल गई है, कल कोई लफ्ज नहीं था, बाहर माशाल्लाह कम से कम छह लफ्ज थे जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।